देखिए पूरा पेट फूल रहा है इनका, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोग है ये एक, पेट फूलना। लोग सोचते हैं कि मेरा खाना खाने के बाद पेट फूल गया, कुछ नहीं है, खाना खाया है, पर नहीं, वो आपका गैस वात बनी हुई है बहुत ज्यादा, जो नहीं होनी चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी नेवल के ऊपर आपकी नाभि चली गई है, तो आपको सबसे पहले, जिसे हम एसिडिटी कह सकते हैं, उसकी शिकायत होगी। अगर आपको नाभि नीचे आई है तो दस्त की प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन है, इट मीन्स आपकी नाभि ऊपर है। अगर आपको राइट साइड में पेन हो रहा है, स्प्लीन के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको कहीं पेन है, या आपका लेफ्ट हैंड हुआ, लेफ्ट साइड कहीं पेन है आपको, तो ये आपका, यहाँ पे आपका बनता है पित्ताशय, जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास, पेंक्रियास का पेन है। अगर यही चीज हम राइट साइड देखें, तो यहाँ आपका लीवर बनता है। लीवर गॉलब्लैडर में पथरी होने का बहुत बड़ा रीजन है आपकी नेवल। अगर आपको नेवल का कोई भी इशू है, तो सबसे पहले, या आपको गॉलब्लैडर में पथरी है, तो सबसे पहले आप अपनी नेवल चेक जरूर करें। नेवल को ठीक करना मात्र 5 मिनट का है, आप घर पे भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपकी जिस साइड की भी नेवल गई हुई है, जस्ट लाइक मैम की ये साइड की गई हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंगूठे को 10 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स इसे करना है जिस साइड गई हुई है नाभि, पहले उसे, देन दूसरी साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इस साइड कोई पेन नहीं है, ठीक है। अब मिला के देख लेते हैं कि काफी हद तक सेट आ गई होगी। देखिए आ चुकी है नेवल सेट काफी हद तक, थोड़ी सी बची है, फिर आप इस पर 10 टाइम्स कर दीजिए। इसे आप हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, हाथ को मोस्टली यहाँ पे रखिए, अंगूठे पीछे देख लीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का, और कुछ नहीं, सिर्फ 10 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। ये देखिए बिल्कुल सेट आ गई है ना, अभी बिल्कुल सेट आ चुकी है। इसे हम यहां से भी देख सकते हैं, इसे कैसा फील हो रहा है अब आपको पेट में? काफी रिलैक्स, ठीक है, गुड। सबसे पहले मेन चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको यहां से माउथ से लेके नीचे तक कहीं भी कोई भी जलन आ रही है, तो आप सबसे पहले अपनी नेवल चेक जरूर कीजिए। और जब भी आपको नेवल हट गई है, तो 2-3 चीजें जरूर है, विशेष ध्यान रखिए उस चीजों का, कि आपको छोले, राजमा, चावल, इन चीजों से सबसे पहले परहेज करना है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपके पाचन को बिगाड़ने में। और पानी थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है। इसमें आपको आपकी कोई भी बीमारी हो, चाहे बीपी हो, चाहे पेंक्रियास की शुगर हो, थायराइड ही क्यों ना हो, जिसका डॉक्टर आजकल बोल देते हैं कि आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी, हम सिर्फ मात्र नेवल ठीक करके आपका थायराइड 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। आप इस चीज को सबसे पहले, आप कहीं भी हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना नेवल जरूर चेक करवाइए अपने नियर डियर तक, किसी भी वे में। अगर आपकी नेवल हटी है, तो उसका प्रॉपर उपचार भी लीजिए। अगर नहीं है, तो आप इन नंबरों पे मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका जो भी प्रोसेस है, आपके शरीर में कोई पेन भी आ गया है, कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे कोई पेन आ गया है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आई है, सबसे पहले मैं कहूंगा आप अपनी नेवल चेक कीजिए। अकेली एक नेवल, धरन, नाप, एक ऐसी चीज है जो कम से कम 66 प्रकार के रोग आपके शरीर के अंदर पैदा कर सकता है। खांसी, जुखाम, आपकी शारीरिक क्षमता का कम होना, दौर्बल्यता, आपके जो पुरुष संबंधी रोग हैं, स्त्री संबंधी रोग हैं, सारे आपकी नेवल से अटैच हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक गुप्ता।